नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मैं यही कामना करती हूँ कि आप सभी सदैव व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें। दर्शकों, यदि आपने सपने में उबले हुए चावल देखे हैं तो हम इस वीडियो में आपको इसी सपने का अर्थ, साथ ही साथ आपको एक उपाय बताएंगे जो कि यदि आप यह स्वप्न देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको करना ही चाहिए। दर्शकों, तो आइए हम बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए दर्शकों, सपने में उबले हुए चावल को देखना काफ़ी सकारात्मक सपना होता है। यह एक शुभ संकेत देने वाला स्वप्न होता है। सपने में उबले हुए चावल को देखने का अर्थ है कि आपका कोई रुका हुआ कार्य पूरा होने वाला है। आपको अपने जिस काम में काफ़ी समय से सफल होने की आस थी, वह काम आपका अब सफल होगा। आपने अपने जिस काम को मेहनत से किया है, आप पूरी मेहनत और लगन से ही उस काम को करते रहिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपका वह काम अवश्य पूरा होगा। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है या फिर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आपकी वह बीमारी भी दूर होने वाली है। यह सपना इस बात का सूचक होता है। तो यदि बात की जाए कि आप ऐसे स्वप्न देख रहे हैं तो आप निश्चित रूप से एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं, और ऐसे शुभ स्वप्न देखने के पश्चात आपको सपने को किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को बताना चाहिए। आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप इस सपने को अपने तक ही सीमित रखें और इस सपने को किसी से भी शेयर ना करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों से आप इस सपने को शेयर करेंगे, बताएंगे, उतना ही जो इसका शुभ परिणाम है वो कम होता जाएगा। इसलिए आप कोशिश यही करें कि आप इस सपने को अपने तक ही सीमित रखें। अगर आप यह स्वप्न रात के 12 से 2 बजे के बीच में देखते हैं तो सपने का फल आपको 3 महीने के भीतर प्राप्त होगा। यही स्वप्न आप 2 से 4 बजे के बीच में देखेंगे तो सपने का फल आपको 1 महीने के भीतर प्राप्त होगा, और यही स्वप्न आप 4 से 6 बजे के बीच में देखेंगे तो सपने का फल आपको 1 हफ्ते के भीतर प्राप्त हो जाएगा। दर्शकों, अब यदि बात की जाए कि आप ऐसे स्वप्न दोपहर या फिर शाम को देखते हैं तो इन सपनों का कोई भी अर्थ नहीं रहेगा और यह सारे स्वप्न निरर्थक स्वप्न माने जाएंगे। दर्शकों, मैं आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बेहद ही अच्छी लगी होगी। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। राधे राधे, आप सभी का मंगल हो। आप सभी सदैव व्यस्त रहें, मुस्कुराते रहें। भगवान श्री विष्णु की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहे। राधे राधे।